नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है। आज बिहार चुनाव का आज आखिरी दिन है। तीसरे फेज की वोटिंग चल रही है। 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों के लिए आज सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इन सब के बीच अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो 1204 उम्मीदवार जो है वो तीसरे फेज में रणभूमि में है। इसके साथ ही 78 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव भी हो रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कि सुबह 7 बजे से लेकर अभी 1 घंटे तक में कितने फीसदी वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में पहले घंटे यानी सुबह 8 बजे तक में 2.4% वोटिंग हुई है। वहीं बिहार के जो विधानसभा की 78 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें पहले घंटे में 3.9% वोटिंग हुई है। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो वहां 2.7%, पूर्वी चंपारण 2.8%, सीतामढ़ी 3.1%, समस्तीपुर 2.9%, दरभंगा में 3%, मुजफ्फरपुर में 3.1%, वैशाली 2.9%, सुपौल 3.8%, अररिया में 4%, किशनगंज 4.5%, पूर्णिया 3.1%, कटिहार 3.9%, मधेपुरा 3.2%, सहरसा 3.4% और मधुबनी में 2.8% वोटिंग हुई है। तो अभी तक का अगर रिकॉर्ड देखें सुबह से लेकर 8 बजे तक में तो किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोटिंग हुई है। यहां पर 4.5% वोटिंग का प्रतिशत रहा है। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि अगर हम बात करें मधुबनी में तो वहां सबसे कम वोटिंग फीसदी दिखाई दे रही है। वहां पर 2.8% ही वोटिंग अभी तक हुई है। तो आपको बता दें कि तीसरे फेज के जो मतदान हो रहे हैं वो ज्यादातर सीमांचल और तिरहुत के क्षेत्र में हो रहे हैं और ऐसे में ये सारी वोटिंग प्रतिशत जो है वो हमने आपको बताई वो पिछले 1 घंटे की है। यानी कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक में अभी यही वोटिंग प्रतिशत रहा है। इसलिए न्यूज फॉर्मेशन भी आपसे अपील करता है कि अगर आप घर में हैं तो घर से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा जरूर बने। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर्मेशन। नमस्कार।